क्या गर्मी पड़ रही भाई साहब हैं? एकदम से गर्मी बढ़ गई है भाई साहब हैं? गर्मी एकदम से बढ़ रही यार, तप रहा है एकदम हैं? एकदम कुत्ते की तरह गर्मी पड़ रही यार। लेकिन भाई साहब गर्मी में एक फायदा भी है, गर्मी में ठंडी नहीं लगती, सर्दी लगती ही नहीं। आप आजमा के देख लेना, आप अनुभव कर लेना। इतनी गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड टूटे जा रहे सारे एचएमबी के। अब पानी पानी के तो और ज्यादा गर्मी चढ़ी है, अब पारा उबाल मार रहा है। No. भाई साहब प्यास लगती है, फ्रिज खोलो, जग निकाला ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए। अब पीने में जरा सा लेट हो गए, आप किसी से बात करने लगे। अरे प्रशांत, हाँ बाइक अंदर रख दो यार। हाँ पापा, पापा ऊपर हैं। आपको देर हो गई, ये गरम हो गया। पानी गरम हो गया, पानी वीआईपी बना हुआ है। पानी कहता है तुमने मुझे हाथ में पकड़ के मेरी बेइज्जती की है, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दिया। ये एटीट्यूड है पानी का, पानी तक के दिमाग खराब है। लेकिन भाई साहब इस वक्त देश तप रहा है, देश गर्मी से बुलबुला रहा है, और ये गर्मी है चुनावी, चुनाव की गर्मी। पूरे हिंदुस्तान में 2019 का चुनाव, हर आदमी को गर्मी का नशा, हर नाके पे नुक्कड़ पे बात हो रही। एक कह रहा नया है 200 से ज्यादा सीटें आएंगी यार, क्या बात कर रहे हो। अरे गुरु, अरे देव ज्यादा नहीं आएंगी, मैं कह रहा हूँ खाता नहीं खुलेगा। तभी एक बोले क्या बात कर रहे हो यार, मैं अंदर थी थबर लाया हूं, अंदर थी थबर लाया हूं, इस बार तोंद्रेस थी नहीं नहीं तरते 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें तोंद्रेस थी आएंगी, लिखा लो मेरे से 400 सीटें आएंगी किसी भी सिनेमा हॉल में। ज्योति 23 तारीख तो रिलीज हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी, किसी भी सिनेमा हॉल में 400 सीटें तो तोंद्रेस तो मिलेंगी मिलेंगी। ऐसे तो अमित शाह कह रहे थे हम तोंद्रेस तो 400 से ज्यादा भी सीटें दे सकते, लेकिन हम तो सपा तो भी देना है, बसपा तो भी देना है, और वो तुड़मुड़ तुड़मुड़ वाली दीदी तो भी देना है। अंदर भी खबर है हमारे गजोदर भैया बैंकॉक से घूम के आए, ये निकल जाते हैं बैंकॉक, मसाज वसाज वही, वहां आजादी है ना हर तरह की। लेकिन बैंकॉक से आए और चुनाव में गंभीरता से लग गए, सीरियसली लगे हुए, दौड़ भाग कर रहे हैं, रैलियां करवा रहे हैं, बीजेपी का झंडा लिए घूम रहे हैं, कमल यहाँ लगाया हुआ है। हमसे बोले भाई साहब ये 2019 के चुनाव में आएगा तो राहुल ही, राहुल आएगा भाई साहब, राहुल आएगा। ओह या, मैं कह रहा हूँ राहुल आएगा। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम कमल लगाया हुआ है, कमल का निशान, झंडा लिए हो बीजेपी का, कह रहे राहुल आएगा, राहुल आएगा ऐसा भाई साहब बैंकॉक की गलियों में लिखा हुआ है, वहां पोस्टर और बैनर में लिखा हुआ है राहुल 2019 में जरूर आएगा, नीचे बैंकॉक पर्यटन विभाग। लेकिन भाई साहब ये चुनाव लड़ना भी एक नशा है। हमारे कानपुर में एक भैया हैं, वो सारे चुनाव लड़ते हैं, कॉरपोरेटर के, सभासद के, विधायक, एमएलए, एमपी, जो चुनाव हैं आ रहे हैं उनको लड़ना है, बस फॉर्म भर देते हैं, इंडिपेंडेंट, यस, निर्दलीय कैंडिडेट, अपक्ष उम्मीदवार, एकला चलो रे, और हर चुनाव हारते हैं। उनको इसी बात का संतोष मिलता है, रिजल्ट के बाद कहते हैं हम हार गए। अरे गुरु वो तो पता ही था हम हारेंगे, हमें मौज ही आती है, जो जीतने वाला था उसको जीतने नहीं दिया, तीसरा जीत गया, अब वोट कटुआ कहो कुछ भी कहो गुरु, जो वोट रंगबाज बनता है
उसको हम जीतने नहीं देते। भले हमारे वो अलग बात है यार। जब चुनाव का मौसम खत्म हो जाता है तब ये आदमी रेलवे के टिकट पहले से रिजर्व करा लेता है। अब एजेंट से मिलके खिड़की में पीछे से जाके इसकी सेटिंग है, बहुत सारे रिजर्वेशन डमी नामों से करा लेता है। अब उसके बाद एंजॉय करता है। जिनको बर्थ मिलनी थी उनको नहीं मिली। अबे यही मौज है गुरु। जो रंगबाजी दिखाए उसकी ऐसी तैसी करो, चाहे अपना नुकसान होए होए तो होए। हमारे पड़ोस में एक बनिया है, हमारे पुत्तू भैया, परचून की दुकान है, जनरल स्टोर। हमसे कहने लगे, भाई जी ये जो मोदी रोड शो कर रहा है, ये अब कर रहा है, प्रियंका रोड शो कर रही है, अब कर रही है, मैं सर रोड शो बहुत पहले कर दियो, एक ही बार क्यों मैं, 35 साल पहले हमारी शादी हुई, मैं सड़क पे बारात लेके गया, आगे आदमी पीछे आदमी, मैं भी ऐसी खुली जीप में ऐसे जा रहा हूं पूरा सड़क घेर के, हमें भी परवाह नहीं, एम्बुलेंस निकले ना निकले, ट्रैफिक जाम हो जाए, ऐसे रोड शो लेके हम पहुंचे थे, और इधर उधर जितने मकान थे भाई साहब, वहां से सब जो है औरतें बच्चे हमें हमारे ऊपर भी फूल फेंक रहे थे, फूल फेंक रहे थे, ऊपर से चिल्ला रहे थे, तो हमने तो रोड शो बहुत पहले कर लिया, कौन सी बड़ी बात है नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहा है। शादियों में चुनावी नशा चल रहा है, हर तरफ चुनाव चुनाव की बातें हो रही, इलेक्शन की बातें हो रही। अब उसी शादी में पता चला, लोग खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं आमने सामने, अब इंट्रोडक्शन हो रहा है, नमस्कार जी, नमस्कार, और आप किसकी तरफ से, वर लड़के की तरफ से हैं? अच्छा नहीं, ओके ओके, तो वधु पक्ष से हैं, लड़की की तरफ से? नहीं नहीं भाई साहब, मैं निर्दली हूँ, निर्दली। निर्दली सुनते ही दोनों दल वालों ने उनको दलदल में गिरा गिरा के मारा। ऐसा चुनावी नशा खाएगा जिसमें तुम पकड़े जाओ, अरे चुपचाप खाना खाओ निकल लो। हर एक को गर्मी चढ़ी है, लेकिन भाई साहब ये गर्मी के मौसम में लोग शादी करते क्यों हैं? गर्मी में नहीं करना चाहिए ना, आदमी पहन पाया ना ठीक से खा पाए, और महिलाएं घूम रही मेकअप किए हुए, पसीना टपक रहा है, वो थाली में गिर रहा है, वो हो रहा है। और भाई साहब ये जो कॉपी पेस्ट आप सुनते हो ना, इसका इजाद, इसका इन्वेंट महिलाओं ने बहुत पहले किया था। आप देखो, हाँ कॉपी पेस्ट अपने आप जमाने पहले हो गया, महिलाओं ने किया था भाई साहब। हाँ देखो, लिपस्टिक लेती हैं, लिपस्टिक जो अचानक बड़ी होती है, लिपस्टिक लेके यहां लगाएंगी, और एक ही साइड लगाया उसी से दूसरी साइड हो गया कॉपी पेस्ट। गर्मी के टाइम पे बारातों का बुरा हाल हो जाता है। अब सारे बाराती लेटे हुए हैं, रात में सोने गए हैं, अब धर्मशाले में गेस्ट हाउस में लेटे हुए हैं, और रात में अचानक बत्ती चली गई, लाइट गई, अब सब बाराती खड़बड़ा के उठ गए, सब एक साथ गाना गाते हैं, मुझे नींद ना आए हो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा देख के आए, ये पंखा कैसे बंद हो गया, ये पंखा कैसे बंद हो गया, ये पंखा कैसे बंद हो गया, ये पंखा कैसे बंद हो गया।